पिछले 5-10 सालों में वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में भी एक सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दिख रहा था, एसयूवीज की डिमांड बढ़ना और हैचबैक्स की डिमांड कम होना, और ये पैटर्न वर्ल्ड वाइड था। बट कुछ टाइम तक ऐसा लग रहा था कि मारुति सुजुकी इस पैटर्न को इग्नोर कर रही है, क्योंकि उनकी इस सेगमेंट में सिर्फ एक ही मजबूत कंटेंडर था, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। ब्रेजा भी 7-8 साल तक विदाउट एनी मेजर अपडेट भी की, और इस सेगमेंट में टाटा, हुंडई, महिंद्रा, किया काफी स्ट्रांगली प्ले कर रहे थे। लेकिन 2022 की 4 गाड़ियों के लॉन्च के बाद ऐसा लगा कि मारुति ने बहुत सोच समझ के ये 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन ये चारों गाड़ियां एविडेंट है कि कोई जुगाड़ या कोई फ्लूक नहीं है। हर गाड़ी जो चीज करने के लिए बनी है वो उस सेगमेंट में बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेजा अ कंप्लीट फैमिली कार, विटारा द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी, जिम्नी 5 डोर सुप्रीमली कैपेबल ऑफरोडर, फ्रॉन्क्स आई थिंक दिस इज द फर्स्ट कूपे क्रॉसओवर बेस्ड एसयूवी इन इंडिया। तो इसे ये एविडेंट है कि मारुति सुजुकी ने चारों के चारों प्रोडक्ट बहुत सोच समझ के डेवलप किए हैं, टू बेसिकली ग्रैब दैट शेयर ऑफ द पाई जो कि वो एसयूवी सेगमेंट का बहुत दिन से इग्नोर कर रहे थे। एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर शशांक श्रीवास्तव, ही इज अ विजनरी। एज पर मी ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द इमेज ऑफ मारुति सुजुकी। मैं 94-96 से ऑटो एक्सपो कवर कर रहा हूँ, मैंने इतना सिग्निफिकेंट लॉन्च, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कभी मारुति सुजुकी का ऑटो एक्सपो में नहीं देखा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अबाउट दैट लॉन्च, द वे दे लॉन्च दीज 4 प्रोडक्ट्स, दैट वाज अमेजिंग, द प्रेजेंटेशन वाज अमेजिंग। मतलब लॉन्च देख के लग रहा था कि मारुति सुजुकी ने बोला है कि यस, वी हैव अराइव्ड इन दिस सेगमेंट। एंड थैंक्स टू मारुति सुजुकी, आई थिंक मारुति सुजुकी वाज द ओनली ब्रांड जिसने उस स्केल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ऑल ऑफ दीज 4 कार्स आर अमेजिंग, जो काम करने के लिए बनी है वो बहुत अमेजिंग तरीके से करती हैं, एंड आई थिंक अपने सेगमेंट में बेस्ट करती हैं। तो मेरे हिसाब से 2022 मारुति सुजुकी एज अ ब्रांड इसका पर्सपेक्टिव चेंज करेगा, इसकी इमेज चेंज करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, वी नीड योर लव।